श्री रितेश कसोधन ने पूछा है कि सांसों के प्रति जागरूक रहने का क्या मतलब है, इसको हम अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूटी करते समय, मोटर बाइक चलाते समय या पढ़ाई करते समय। रितेश जी, बस एक भूल मत करना, जागरूक रहने का अर्थ है विश्राम पूर्वक सजग रहना। यदि तुमने ध्यान को कंसंट्रेशन समझा तब फिर यह दैनिक जीवन पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि कंसंट्रेशन तो थोड़ी देर हो सकता है। अगर तुम सांस पर फोकस बनाओगे तो ज्यादा देर ये नहीं हो सकता, अन्यथा ये फोकस करना, कंसंट्रेशन, तुम्हारे अन्य क्रियाकलापों में बाधा पहुंचाएगी। तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो और सांस पर फोकस है, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, तुम्हें सुनाई ही नहीं देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। सामने कौन लोग आ जा रहे हैं, तुम्हारी नजर उन पे नहीं होगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। तुम पढ़ाई कर रहे हो या ऑफिस में काम कर रहे हो, तुम्हारा चित्त दो खंडों में डिवाइड हो गया, तुम्हारा एक हिस्सा सांस को देख रहा है और दूसरा हिस्सा कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है। भूलचूक हो जाएंगी, गलती शुरू हो जाएंगी, तुम ठीक से काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तुम भुलक्कड़ हो जाओगे, क्या कर रहे थे याद ही नहीं आएगी, क्योंकि तुम तो ठीक से देख ही नहीं रहे थे। मुझे याद आता है, एक बार मैं कहीं ध्यान शिविर लेने के लिए गया हुआ था, जिनके घर में वो रुका था उनकी पत्नी कहने लगी कि हमारे पतिदेव जी को समझाइए, ये महाभुलक्कड़, इनको कुछ याद ही नहीं रहता। मैं इनसे कहती हूँ बाजार जाके ये सामान लेके आना है, ये कहते हैं ठीक, स्कूटर से जाते हैं, फिर वहां दुकान से जाके फोन करते हैं कि क्या सामान लाना था, मैं तो भूल ही गया, 5 मिनट में भूल गए। और ये कहते हैं मैं ध्यान की साधना करता हूं, तो ध्यान पूर्ण व्यक्ति को तो और ज्यादा सजग होना चाहिए, ये तो बेहोश बेहोश जीते हैं, ये कैसी ध्यान की होश की साधना है इनकी। मैंने उन सज्जन से पूछा कि आप कौन सा ध्यान करते हैं, वे कहने लगे मैं तो अपनी सांसों के प्रति होश रखता हूं, ये व्यर्थ की सांसारिक बातों पर मैं ध्यान ही नहीं देता। मैंने कहा तो जब आपकी पत्नी आपसे कह रही है कि मार्केट से ये सामान लेके आना है, तब आप उसकी बात गौर से सुनते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा ये तो दिन भर बकवास करती रहती, बोलती रहती कुछ ना कुछ, कहां तक इसकी बात सुनूं, मैं तो अपनी सांस देखता रहता हूं, मुझे तो मोक्ष जाना है, आवागमन से मुक्त होना है। स्वाभाविक है ये व्यक्ति तो भूल ही जाएगा कि बाजार किस लिए आया। मैंने उनसे पूछा कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि जब आप बाजार से घर लौट रहे हैं वापस, तो और आगे निकल गए घर के, घर को ही भूल गए। उन्होंने मेरे पैर छू ले, कहा कि स्वामी जी आप तो अंतर्यामी हैं, आपको पता कैसे चला, ऐसा कई बार हो चुका, घर पीछे रह जाता है, मैं आगे निकल जाता हूँ, फिर याद आते ही करे घर तो छूट गया, फिर लौट के आता हूं, लोग हंसते हैं सड़क पे देख के मुझे, लेकिन मैं तो अपने ध्यान में मगन रहता हूं, अपनी सांस देखता रहता हूं। अब जो आदमी अपनी सांस देखते हुए मोटर बाइक चलाएगा, ज्यादा संभावना है वो घर न पहुंच के अस्पताल या शमशान घाट पहुंच जाएगा और दो चार को और पहुंचा देगा। ऐसे ध्यान से तो जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम घटित नहीं होगा। तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि श्वास के प्रति होश को हम अपने दैनंदिन जीवन में कैसे लागू करें। तो पहली बात, इट शुड बी मेडिटेशन नॉट कंसंट्रेशन। फोकस नहीं करना है, एकाग्रता नहीं करना है, समग्रता पूर्वक सजग होना है। समग्रता मतलब एक टोटल अवेयरनेस, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ के प्रति जागरूक, उसमें बाहर की दुनिया भी शामिल है, हम शरीर से जो कर रहे हैं वह भी शामिल है, मन में कोई विचार आ गया उसके प्रति भी होश है, सांस आ जा रही है उसका भी होश है, कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है उसे भी बड़े होश पूर्वक प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं, हमारे भीतर से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है उसके प्रति भी होश है, सब कुछ के प्रति होश। बाहर से कोई आवाज आ रही है
उसके प्रति भी पूरा होश है। इसको कहते हैं समग्रता, अवेयरनेस इन टोटलिटी। ये है मेडिटेशन। कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ध्यान की साधना है, इट शुड बी एफर्टलेस। ऐसा न लगे कि मैं स्पेशल कुछ कर रहा हूं। उस करने की भावना से तनाव और टेंशन पैदा होता है। एक प्रकार की रिलैक्स्ड अवेयरनेस, एज इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज हैपनिंग बाय इटसेल्फ। तो पहली बात, फोकस नहीं, कंसंट्रेशन नहीं। दूसरी बात, इसको एक प्रयास की भांति ना लें। जैसे सांस चल रही ना, अपने आप चल रही है, प्रकृति चला रही है, ऐसा ही समझें। प्रकृति ने हमको होश दिया है, हमने पैदा तो नहीं किया। अगर ना होता तो हम क्या करते। होश है, दिस इज ए फैक्ट, गिवन फैक्ट फ्रॉम द गॉड। तो चलो इसको हम ऐसा ही इसी भाव से लें कि हम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं। ये चैतन्यता, ये कॉन्शसनेस है, तो इसको बड़ी सहजता से लें। आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ विशिष्ट कर रहा हूं, तब आप रिलैक्स्ड होंगे। तो इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं, रिलैक्स्ड अवेयरनेस, विश्रामपूर्ण सजगता। या अगर आपको दूसरा शब्द पसंद हो, इसको मैं कहना चाहूंगा प्रेम पूर्ण सजगता, लविंग अवेयरनेस। इसमें सब कुछ आ गया। तो पत्नी कुछ कह रही है, उसको भी प्रेम भाव से सुन रहे हैं। जो आप काम कर रहे हैं ऑफिस में, उसके प्रति भी लगाव है, तब उस पर ठीक ध्यान रहेगा। आप कुछ पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने के प्रति लगाव है, आप बड़े प्यार से पढ़ रहे हैं, तब आप पाएंगे अपना भी होश है, सांसों का भी होश है, जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसका भी होश है, बीच में कुछ सुनाई पड़ा उसका भी होश है। एक लविंग अवेयरनेस। अक्सर ध्यानी साधक संसार के, परिवार के, दुकान के, खेत खलिहान के विरोधी हो जाते हैं, परिवार के सदस्यों के विरोधी हो जाते हैं, सबसे एक दुश्मनी सी ठान लेते हैं। वे सोचते हैं ये ना हो, ये ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं ध्यान करता हूं, ये कुत्ते को नहीं भौंकना चाहिए, ये किचन से बर्तन गिरने की आवाज आ गई, ये नहीं होना चाहिए, बाधा है। हर चीज को बाधा स्वरूप लेते हैं, और तब हर चीज बाधा लगने लगती है, और फिर वो भीतरी भीतर हमेशा क्रोधित होते रहते हैं। कई लोगों ने मुझे कहा कि इतने अशांत और क्रोधी तो हम पहले नहीं थे, जितना हम ध्यान साधना करने के बाद हो गए। उसका कारण, वो रिलैक्स्ड अवेयरनेस का सूत्र नहीं पकड़ पाए, वो एक लविंग अवेयरनेस में नहीं है। उन्होंने तो सबसे शत्रुता साध ली। इस भूल से बचना, तब आप पाएंगे वो जो जागरूकता है, वह सांस के प्रति भी हो गई, शरीर की क्रियाओं के प्रति भी हो गई, बाहर के जगत की घटनाओं के प्रति हो गई, व्यक्तियों के प्रति हो गई, परिस्थितियों के प्रति हो गई, मन स्थितियों के प्रति हो गई, एक सर्वांगीण जागरूकता। हाँ, जब फुर्सत में बैठे हो, तब कुछ और नहीं हो रहा है, एकांत तुम्हारा कमरा है, वहां सांस पर ज्यादा हो जाएगी। जब कुछ कर रहे हो तो उसको विस्तीर्ण कर देना, फैला देना। जब मोटरसाइकिल चला रहे हो, निवेदन है कि कृपया सांस को भूल जाना, इस समय ट्रैफिक का ध्यान रखना, ड्राइविंग का ख्याल रखना, जबरदस्ती सांस को पकड़ के मत रखो। तो थोड़ा सा विवेकपूर्ण बनो।